हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 23 सितंबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमें जो देखने मिला एक नेगेटिव मूवमेंट, 2.06% का एक नेगेटिव क्लोजिंग हुआ। क्लोजिंग यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 12.55.75 के आसपास हमें क्लोजिंग भी जो देखने मिली है। तो यहाँ पे क्या आने वाले दिनों में ऐसे जो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में। सबसे पहले तो 1 डे के चार्ट में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे 1 डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा जरूर वॉल्यूम देखने मिला। कैंडल बहुत ही छोटी सी यहाँ पे बॉडी बनी है, दोनों के साइड में छोटी छोटी हमें विक भी जो है देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई 32-33 के आसपास जो आ चुका है, जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइट यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट का जरूर जो एक इशारा देता है। लेकिन याद रखना, आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में हमारा ओपिनियन यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मोमेंट का है। चांसेस है कि स्टॉक में हमें अपसाइड मोमेंट जो सबसे पहले 1284 के आसपास देखने मिले, अगर उसको स्टॉक क्रॉस कर दोगे तो स्टॉक में इजिली फिर हमें अपसाइड मोमेंट जो है 1317 के आसपास देखने मिलेगी। स्टॉक में यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ट्रेंड जो है नेगेटिव हो चुकी है। यहाँ पे 20 है मैंने जो क्रॉस कर चुका है 50 में, तो थोड़ा सा स्टॉक में आप जरूर जो कॉशियसली काम करें। और यहाँ पे मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा जितना हो सके आप शॉर्टिंग के साइड में ही जो यहाँ पे अपना ट्रेड लें। यहाँ पे इंट्राडे भी यहाँ पे अगर जितना हो सके आप शॉर्टिंग के साइड में जाए, क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेयर में होगा, वहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो ज्यादा देखने मिलेगी। बाकी पोजिशनल वाइज मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा एक बार जो है यहाँ पे पुल बैक होने का वेट करें, फिर उसके बाद जरूर आप यहाँ पे पोजिशनल वाइज भी जो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी की अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं यहाँ पे कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, यहाँ पे सपोर्ट जोन यहाँ पे जरूर हमें मार्क करने होंगे, क्योंकि स्टॉक जो है बहुत टाइम बाद वापस से जो है इस रेंज में आया है। तो इस रेंज में स्टॉक जो है हमारा जो भी हमें डेटा बनते हुए देखने वाला उसको मैं मार्क करके रख देता हूँ। तो जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप भी जो है सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियोस नहीं देखा तो मैं जरूर आपको रेकमेंड करूंगा हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियोस देख ले। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से हमें हेल्प करती है हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करने में, ये जो हमने आपको बताया है। और यहाँ पे किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा जो है एक क्लैरिटी और एक कन्फर्मेशन के लिए जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, तो जरूर आप देख ले। आई बटन में मैंने जो है यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न की प्लेलिस्ट जो ऐड की है, छोटे छोटे यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं ताकि यहाँ पे आपका टाइम भी जो है ज्यादा कंज्यूम ना हो। बाकी यहाँ पे इसे हम जूम करके बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 1259 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1254 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1266 का। तो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट
और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर आप उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1241 का, उसके बाद क्या आता है 1231 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1276 का, उसके बाद क्या आता है 1286 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जो आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो है ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। मूवमेंट ज्यादा नहीं होगा, 1.5% के अंदर यहाँ पे हमें क्लोजिंग जो देखने मिली है, लेकिन 1266 से लेकर 1276 रेंज में हमारी एक्सपेक्टेशन जरूर है कि इस रेंज में क्लोजिंग जो है वो ओवरऑल कल के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग हमारी एक्सपेक्टेशन है। आपको क्या लगता है कल के दिन स्टॉक में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।